गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। आज घर का नजारा देखो कैसा हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि मतलब साफ सफाई चल रही है तो भी साफ सफाई नहीं दिख रही है, क्योंकि पूरी वॉल वगैरह सब साफ हुई है सब पूरा। लेकिन ये सब पूरा समेटने में मुझे कम से कम 3 दिन और लगेंगे, पूरा घर एकदम अप टू डेट करने में। क्योंकि तो दिवाली का काम है, आप लोग समझ सकते हो कि कितना भयंकर होता है। ये हर लेडी समझ सकती है, क्योंकि घर का लेडी जो रहती हैं वो सारा काम यही सब देखती हैं, तो उन्हें पता है कि कितना काम होता है दोस्तों। तो अभी तो खैर खाना भी नहीं बना है, आज माँ की तबीयत भी थोड़ी सी ऐसे ही हो रही है नासाज, तो मम्मी कहने कि रोटी भी आप भी बना लेना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, तुम रेस्ट करो, मैं करती हूँ काम, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज तो खाने में बना रही हूँ मैंने मेथी को बॉईल किया। मेथी दाना जो होता है ना, उसको बॉईल करके रखा रख के आई हूँ, दाल उबाल के रख के आई हूँ, चावल बना के आई हूँ, और साथ में पालक साफ करके रखा है, वो भी मम्मी ने बैठे बैठे कर दिया था, वो मैंने नहीं किया है। और लहसुन भी मम्मी ने ही साफ किया है, क्योंकि मैं लहसुन को टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जो ये उसका जो रस रहता है ना दोस्तों, वो मेरी मतलब फिंगर में लगता है ना, तो मुझे ईचिंग होती है और फिर ब्लड आने लगता है, मतलब वो फटने लगती है, तो मैं कभी लहसुन को टच भी नहीं कर पाती हूँ। ये मतलब मेरी मम्मी हमेशा करके मुझे दे देती है। तो मिष्टी गई है स्कूल, राधिका आ गई है जिम से, और जिम अभी मैं नहीं जा रही हूँ, मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी 2-3 दिन अवॉइड करूंगी जिम के लिए, देन फिर मैं जिम कंटिन्यू करूंगी राधिका के साथ, है ना। तो दोस्तों अभी मुझे आपसे एक बात पर शेयर करनी है, और ये वीडियो जिसके लिए वो भी समझ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आज दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, और ये वीडियो जिसके लिए वो भी समझ जाएगी कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। देखिए मैं बस इतना बोलूंगी कि यदि मेरी याद इतनी आती है आपको तो मुझसे बात कर लो, मैं थोड़ी मना करूंगी। देखो जब भी आपने कॉल किया मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, और ये नहीं आपसे ही नहीं, मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ ना, क्योंकि कोई भी मेरा यहाँ पर दुश्मन नहीं है। अब तुम मुझे दुश्मन बना के बैठी हो तो मुझे नहीं मालूम कि तुम मुझे दुश्मन क्यों बनाए हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जो तुम अपने मन में गलत फहमियां लेके चली हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए के लिए बुरा किया है, तो ये तो मेरा भगवान जानता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं किया। हाँ तुम ही मेरा बुरा करके गई थी। तो दोस्तों इनको मेरी इतनी याद आती है, आपको ये बताऊं कि मेरे ही जैसी कॉपी करना ये चाहती है। मतलब मैंने 3-4 बार वॉच कर लिया, और अभी रिसेंट एक और रील डला हुआ है, अभी 3-4 मतलब और थोड़े से दिन पहले एक रील, मुझे मतलब मेरे ही जैसा सेम लाइनर बिंग वाला, मेरे ही जैसा घूंघट लेना, मेरे ही जैसे एक्शन करना। यार मुझे पता है अच्छा भी लग रहा है, और मतलब कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार तुम ऐसा क्यों करती हो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम मेरे को कॉपी क्यों करती हो। मैंने कितनी बार कहा कि करना है तो बहुत से लोग हैं, मेरे को ही क्यों फिर, और आप मेरे को दुश्मन मान के भी चल रहे हो कि मैं आपकी दुश्मन हूँ। ये मतलब काम करने आई है हमारे यहाँ, तो वो काम कर रही है, क्योंकि अकेले से दिवाली का काम नहीं होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना। ये तो ये मैं इतना बोलना चाहूंगी उन मैडम से कि यदि आप मेरी कॉपी कर रही हो तो अच्छी बात है ना, कि हम इतने काबिल तो हैं कि आप हमारी कॉपी कर सको। इतना मुझे अब समझ में आ गया है कि ये कहीं ना कहीं दिल से ये मतलब मेरे को बहुत ज्यादा याद करती होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन को लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं ना, इतना दोस्तों को याद नहीं करते जितना दुश्मनों को करते हैं। तो आप लोग बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, क्योंकि लोग दुश्मन को इसलिए याद करते हैं कि दिन रात उनके दिमाग में सिर्फ यही घूमता रहता है कि अभी क्या कर रही होगी, तो अब इसका वीडियो क्या होगा, तो अभी क्या हो रहा होगा, फला फला फला, मतलब यही सारी चीजें रहती है। भाभी वो गिर गई है एक्चुअली, जितनी भी रजाई वगैरह है सब पूरा संदूक खोला हुआ है, तो इनको धूप दिखा रहे हैं हम, आज धूप दिन भर धूप में डली रहेंगी ये,
और फिर शाम को उठा के फिर से हम इनको कवर करके बढ़िया, क्योंकि अब ठंड आने वाली है आप लोगों को मालूम है, और यहाँ मतलब हमारे साइड रजाई ज़्यादा चलती हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब लोग कम यूज़ करते हैं, रजाई तो पुरानी मतलब मम्मी पापा वो ही सब चीज़ फेवर, पता मैं तो पर आजकल मैं ही सोचती हूँ कि इनकी जगह यदि ब्लैंकेट लो तो ब्लैंकेट कम जगह भी घेरते हैं, रजाई ज़्यादा जगह घेरती है। क्या हो गया, इतनी हंस क्यों रही हो तुम लोग? कल की ग्रेवी ये संभाल संभाल के जाना, कल ये मतलब एक जन है वो गिर गई थी पूरी सीढ़ी पे से, तो ये कहो भैया हम उनके आगे थे उनके पैर मेरे में फंस गए पीछे, मैं ऐसी सीढ़ी पे आगे थी वो पीछे थी, वो गीले पैर आ रही थी और मैंने जस्ट स्टेप होल्ड किया ही था यहाँ से पकड़ा और वो पीछे से धम से गिरी तो मेरे पैरों में दो ही साइड से मेरे साइड से पैर निकल गया और मैंने पकड़ लिया, और उनके आगे वो एक और थी भाई मतलब तीन लोग थे, हमने की गिरती ना तो पूरे लोग धम से नीचे आ जाते, लेकिन भगवान ने सब बचा लिया। ये तो चलिए दोस्तों, मैं तो बस उनसे यही बोलना चाहूंगी कि मेरी यदि याद इतनी आती है तो एक कॉल कर लिया करो यार, है ना, बात कर लेंगे, हमें कोई बुराई नहीं है, है ना, लेकिन कॉपी कर करके मुझे बताना कि हाँ हम आपको बहुत याद करते हैं तो अच्छी बात है, और क्या, कॉपी करो, चलो कोई तो है जो मेरी कॉपी कर रहा है ना, मेरे जैसी एक्टिंग करना, मेरे जैसी आंखें मटकाना, मेरे जैसा लाइनर लगाना, मेरे जैसा घूंघट लेके रील बनाना यार। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे, मैं सच बताऊं मुझे अच्छा लगा कि चलो आजकल पता है इतना शोर हो रहा है बहुत ज्यादा, इलेक्शन आने वाले हैं ना तो बहुत ज्यादा मतलब दिन रात मतलब वही सारी पार्टी वाले आते रहते हैं ये। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहना, और अभी तो काम चालू है, मैं जा रही हूँ अभी किचन में, पहले खाना बनाऊंगी है ना, और फिर आज मैंने बताया ना क्या पेंटर भी आ रहा नीचे के, पता है कमरे का मैं थोड़ा सा लुक इस बार है ना चेंज कर रही हूँ पूरा, तो वो फाइनल लुक तो आपको मैं होने के बाद ही दिखाऊंगी कि मैंने रूम का क्या सब चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हर दिवाली कुछ ना कुछ हटके कुछ ना कुछ करो तो मन मजा भी आता है, हालांकि मम्मी पापा कल कह रहे थे क्या इतना मेहनत करती रहती है तू, जैसा है वैसा रहने दे, मैंने कि नहीं यार कुछ तो चेंज करो ताकि एक अंदर से भी अच्छी गुड वाइब्स आती है ना कि यार अपन कुछ अच्छा नया कर रहे हैं, कुछ समथिंग चेंज यार, है ना, वो सारी चीजें। तो राधिका हम लोग सब लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और आप लोग को जरूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, आप लोग जरूर देखना ठीक है। और भाभी कल आप ये सूटकेस भूल गई थी, ये सूटकेस इसके अंदर रखना है अपन को ना, ये बाहर ही रह गया कल तो इसको भी पलंग के अंदर रखना है, कल ये वाला पलंग हमारा साफ हो गया था जिसपे मैं सोती हूँ, ये अंदर से पूरा सामान निकाल के उसमें धूप दिखा के और फिर पैक करके रखा है, तो कल भी हम लोग को काफी टाइम हो गया था, 9 बज गए थे करीब, फिर हम लोग मार्केट गए थे कलर लेकर आए, क्योंकि कलर भी और कलर के लिए सच में इतना मजा आया है दोस्तों, कलर के लिए हम लोग इतना परेशान, मुझे चाहिए था डार्क मरून कलर जो होता है, अब वो बंदा व्हाइट के बेस पे मरून कलर बना के दे रहा है उसमें नैरोलैक में, मैंने कि नहीं मुझे अच्छा ही चाहिए, या तो एशियन पेंट दो या नैरोलैक दो, तो उसने वो कलर बनाया ना तो वो बना दिया उसने पिंक कलर, मैंने कि ये मरून कलर कहाँ से दिख रहा है, कह नहीं मैडम ये तो मरून कलर ही है, मैंने कि सुनो यार मैं है ना दिन रात कलरों में खेलती हूँ, मेरे को मत सिखाओ कि पिंक कलर और मरून कलर कैसा होता है ना, कि मैंने कि मैं जानती हूँ कि मरून डार्क मरून कलर कैसा होता है और ये पिंक पर बेस है, मतलब वो मतलब अजीब टाइप का पिंक कलर दिख रहा था वो मरून में भी नहीं, तो उसने क्या किया व्हाइट लिया बेस और उसमें थोड़ा सा रेड डाला, थोड़ा सा ब्लू कलर डाला हल्का सा और फिर व्हाइट डाल दिया उसमें, और जब उसने मिक्स किया तो वो अजीब टाइप का कलर बन गया, मैंने कि ये कलर बिल्कुल भी वैसा मतलब हल्का सा वॉयलेट जैसा समझ लो, मतलब लाइट वो मजा ही नहीं आ रहा था, मैंने कि मैं ये वॉल पे लगाऊंगी और मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं जो सोच के आई हूँ मुझे वो ही कलर चाहिए, तो एक शॉप पर गए उसका कहना मैडम ये कलर बर्बाद हो गया, मैंने कि इट्स योर प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है ना कि क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे मरून कलर चाहिए, मैंने उसे शेड कार्ड में दिखाया कि मुझे डार्क मरून चाहिए, फिर वो कहने लगा और यार मैडम ऐसा वैसा, फिर हम दूसरी शॉप पे गए तो वहां भी इतने मजे आए कि मैडम हर बार तो बन जाता, आप आई हो तो आपको देख के क्यों नहीं
राधिका कहती कि हाँ मम्मी को ज्यादा है ना कलर का ज्ञान है, इसलिए मम्मी से डर रहे हैं सारे कलर। मतलब इतना मजा आया था कल शॉप पे। एट लास्ट वो फिर बना कलर, फिर मैं लेकर आई हूँ। तो अभी अब जब फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी मैं घर का, तब आप लोग देखना कि कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी तो मैं जा रही हूँ अब किचन में। इसलिए कवर करे है कि डस्ट हो रही थी, इसलिए मैं पूरा सिर कवर कर रही हूँ। यहाँ कोई मेरे ससुर जी नहीं बैठे हैं कि मैं सिर ढक के बैठूंगी, आया समझ में। तो नीचे काम चल रहा है ना, पूरे में डस्ट हो रही है, इसलिए मैंने ये कवर कर लिया, वरना अभी लोग कमेंट करेंगे कि ये कैसी बैठी हुई है, आप पर सिर क्यों कवर कर। आप लोग भी शायद पैंट वगैरह करते हो घर में सफाई, तो सिर को कवर, क्योंकि बार बार अपन हेयर वॉश नहीं कर सकते ना इस चक्कर में, तो ये सिर को कवर करना ही होता है। क्यों राधिका, कैसी है राधिका? राधिका की आजकल हालत बहुत डाउन है, क्योंकि जिमिंग कर करके राधिका का मसल्स ग्रो करवाना है इस कारण उसको, नहीं तो आप लोग बोलोगे राधिका तो ऑलरेडी मतलब पतली है तो फिर उसे क्यों करवा रहे हो। लेकिन राधिका का थायराइड का प्रॉब्लम है आप लोग को मालूम है, तो इस चक्कर में उसको जिमिंग करा रही हूँ कि मतलब अच्छे से उसकी मसल्स ग्रो हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग तो मैं यहीं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि घर के काम करना है, उसमें कैमरा लेके घूमना नहीं हो पाता है। काम करेंगे कि कैमरा लेके घूमेंगे। नीचे पैंट जरूर चालू हो गया है, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ।